वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक काउंट की, हमारी जनवरी सेक्शन में कितनी की इनकम हुई है, मतलब आपके जितने सोर्सेस हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, उसे हम काउंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काउंट का सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन बनाने के बाद अगेन हमने एक साइड में खाली बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट, देन हम जाते हैं गो। काउंट हमें सबसे ऊपर दिख जाएगा दोस्तों टॉप पे, और उसकी डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों। सिंपली आपको ओके कर देना है, आपके सामने फंक्शन आर्गुमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहां से इतने रैक करने हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप दोस्तों देख सकते हैं इसने काउंट कर लिया है कि यहाँ पे आपके चार सोर्सेस से इनकम हुई है। तो गाइस अगर एक सोर्सेज में कुछ इनकम नहीं होती जनवरी में, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सपोज एफपी है, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, एफपी से मेरी कोई इनकम नहीं हुई है। तो गाइस टोटल सोर्सेज सिर्फ तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ तीन काउंट हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपकी जहाँ पे इनकम नहीं होती है वहाँ पे आप उसे डिलीट कर देंगे तो काउंट में ऑटोमेटिकली वो फर्क पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने वापस से ऐड किया है एफपी में, तो यहाँ पे काउंट ऑटोमेटिक फोर हो चुका है। सेम दोस्तों हमें ऑटो फिल करना है, प्लस का आइकॉन आएगा कॉर्नर में, स्क्वायर बॉक्स के ऊपर लेके आएंगे, हमें आगे तक इसे ग्रैब कर देना है। तो गाइस ये ऑटो फिल हो चुका है। सपोज मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली थ्री वैल्यू बची है और बाकी सब में फोर है। तो इधर मैं वापस से कुछ वैल्यू लिख देता हूँ दोस्तों। तो गाइस चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली क्लास में।